सो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये एक चीज इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे दूं कि इस ईयर का यार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज आप सभी को एडिगुरु चैनल पे मिल जाया करेगा राइट। इसमें इंक्लूड होगा आपका ये वाला मैथमेटिक्स का, इसी प्रकार से साइंस और प्लस में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे सेकंड चैनल पे इस वाले चैनल पे यार मिल जाएगा एडिगुरु चैनल पे। जिसने अभी तक इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बेहतरीन क्वेश्चंस हो रहे होंगे ये हमारे प्रीवियस ईयर के, एंड सैंपल पेपर्स भी एक दो दिन में, मतलब पेपर एग्जामिनेशन 7 तारीख से 8 तारीख से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्लस में आपके सैंपल पेपर्स अब मैं डाल रहूँगा उस वाले चैनल पे। तो सबसे जल्दी जल्दी जाओ भाग के उस वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इस प्रकार का कुछ चैनल है एंड यार इस पर काफी सारा मटेरियल डल चुका है ऑलरेडी हमारे सीईटी प्रिपरेशन एनसीईटी प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो जिसने अभी तक जाके सब्सक्राइब नहीं कराया तो जाके सब्सक्राइब करो एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो। ओके सो हे गाइस दिस इज वर्सेस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कल आप सभी को यार ये वाला मेल आ गया था एंड यार मैंने शाम को रात को एक अपडेट भी डाल दिया था कि इस प्रकार से आपके पास कुछ एडमिट कार्ड आ गया है, ई एडमिट कार्ड इसको कहते हैं, मतलब कि ऑनलाइन एडमिट कार्ड। इसी प्रकार से आपको यार जो मेन एग्जामिनेशन है उसके भी आपके एडमिट कार्ड आ जाएगा। पिछले साल क्या हुआ था, इसी प्रकार का आपके पास कुछ ई एडमिट कार्ड आया था एंड उसके बाद आपका मेन एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड होता है सेम होता है, आईडी पासवर्ड जो भी यहाँ पे लिखी रहती है वो सारी चीजें आपकी सेम वहीं पर एडमिट कार्ड आता है, जो आपका जब लॉग इन करोगे वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। बट अगर वो नहीं आया तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं, यहाँ पे ये वाला जो मेल आया ना ई एडमिट कार्ड, यहाँ पे इस प्रकार को मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या क्या है इसमें, ऐसी ऐसी चीजें जिसमें कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे अगर सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले आप देखोगे तो इस प्रकार का कुछ यहाँ पे लिखा है प्लीज प्रिंट द ईमेल ऑफ द सर्टिफिकेट, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है यार ये सारी इन्फॉर्मेशन रखता है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर द अन्य एजुकेशनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल प्लीज चेक द लेकिन लिंक बिलो, ठीक है। ये हमारे हमारी जो एजुकेशनल जो एडमिशन पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल इसकी आपकी यहाँ पे दे रखा है लिंक, ठीक है। फिर उसके बाद विल यू एबल टू फॉलोइंग दिस 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 टेस्ट ऑन द सिस्टम कैपेबिलिटी ऑफ द चेक टेस्ट योर सिस्टम लिंक एंड लॉन्च योर टेस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट टेस्ट, ठीक है। इस प्रकार से ये है कुछ लिखा, बताता हूँ ये आगे चल के क्या चीज़ है क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करोगे तो इसको नीचे की तरफ चलते हैं एंड यहाँ पे आपकी सारी क्रेडेंशियल्स लिखी हुई है कि आपका आईडी, ये आपका यूजर आईडी हो गया एंड ये पासवर्ड हो गया, ठीक है। इस प्रकार से ये कुछ लिखा हुआ है, ये मैंने आपको क्रॉस क्रॉस कर दिया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको शेयर करते हो तो क्या पता वो आपके यार लॉग इन कर ले, उसके बाद वो आपका एग्जामिनेशन पहले ही दे दे, जिसके कारण की वजह से आप वहाँ पे दोबारा लॉग इन ना कर पाओ, इसलिए मैंने इसको ब्लर कर दिया, मतलब कि मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द सेम लिंक ऑफ द क्रेडेंशियल्स विल बी द बोथ एंड द मॉक टेस्ट पेपर एंड द डेमो एंड द एक्चुअल एआई प्रॉक्टेड मोड, मतलब कि आपका मॉक टेस्ट पेपर के लिए भी यही सेम आईडी क्रेडेंशियल्स रहेगी, यूजर एंड आईडी पासवर्ड जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एंड फिर आपका जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा 7 और 8 तारीख को, उसके लिए भी यही वाला मेन आपका आईडी एंड पासवर्ड होगा, यही यूज होगा आपका दोनों जगह, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर के लिए भी और उसके लिए भी, मॉक टेस्ट पेपर एग्जाम शेड्यूल विद द मेंशन बिलो अटेंडिंग द मॉक टेस्ट एंड एज पर द शेड्यूल इज कंपलसरी, ठीक है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका मॉक टेस्ट पेपर को अटेंड करना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। इफ यू फेल टू अटेंड द मॉक टेस्ट पेपर डेमो यू विल बी डिबेटेड फॉर द अटेंडिंग द एक्चुअल एग्जामिनेशन, शायद क्या पता अगर मॉक टेस्ट पेपर अटेंड नहीं करते हो तो यहाँ पे एक्चुअल एग्जामिनेशन में ना बैठने दिया जाए। अब ऐसा कैसे पता चलेगा उन सबको कि हमने मॉक टेस्ट पेपर दिया या नहीं दिया, देखो आईडी एंड पासवर्ड सेम है एंड वो पता लगा लेते हैं कि यूजर आईडी पासवर्ड से इनका कितनी बार ये लॉगिन हुआ है, ठीक है, एंड कहाँ कहाँ लॉगिन हुआ है, इसने यार मॉक टेस्ट पेपर अटेंड करा है या नहीं करा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये मॉक टेस्ट पेपर अटेंड करना जरूरी है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट पेपर अटेंड करना कर लेना, वरना क्या पता दिक्कत हो सकती है आगे चल के, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल स्केड्यूल फॉर द मॉक टेस्ट पेपर एग्जामिनेशन, आपका स्केड्यूल लिखा हुआ है, आपका 4 तारीख को एग्जामिनेशन है, सबसे पहले 9:30 से लेकर 10 बजे तक एग्जामिनेशन आपका ए एंड बी जो आपका सेक्शन है एंड फिर 12 से लेकर 12:30 बजे तक है मॉक टेस्ट पेपर ओनली फॉर द सी, ये फॉर द फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स के लिए, ठीक है। एंड पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्स के लिए यहाँ पे ये टाइमिंग चेंज रहेगी, लेटर एंट्री के लिए ये टाइमिंग चेंज रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे ये सेक्शंस भी चेंज रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो टाइमिंग है एलई के लिए लेटर एंट्री के लिए ये वाला जो टाइमिंग है ये 8 तारीख हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये 8 तारीख हो जाएगा, फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 7 तारीख है एग्जाम मेन एग्जामिनेशन का, और यहाँ पे ये वाला जो टाइमिंग है ये 5 तारीख हो जाएगा लेटर एंट्री वालों के लिए, ठीक है। एंड फार्मेसी के लिए वहीं ये जो डेट्स है ये चेंज हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि अलग अलग जो कोर्सेज है उसके लिए अलग अलग ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये सारा आपका स्केड्यूल दे रखा है, ये आपका मॉक टेस्ट पेपर का दे रखा है और ये आपका मेन एग्जामिनेशन का दे रखा है, ठीक है, मेन एग्जामिनेशन का ये दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट में आपके लिखा हुआ यार कि प्लीज मेक द नोट द
टेक्ट द डेट एंड द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द लॉग इन द पोर्टल यूजिंग द लिंक प्रोवाइडेड एट लीस्ट 45 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन टू कंप्लीट द कैमरा वेरिफिकेशन प्रोसेस एज वेल। जब भी आपका एग्जामिनेशन है, मतलब कि 9:30 बजे एग्जामिनेशन है, तो आपका 8:45 तक आपको यार खोल के रख लेना है, क्योंकि 45 मिनट इन्होंने बोला है, तो 8:45 तक आपको कम से कम इसको लॉग इन करके रख लेना है, क्योंकि इसमें यार सारी चीज़ें चेक वैक होगी। ठीक है, यहाँ पे फिर कुछ लिंक दे रखा है, ये अगर कुछ सॉल्यूशन आता है, इशू आती है, तो इस प्रकार से कुछ दे रखा है, गाइडलाइन दे रखा है, गाइडलाइन की वीडियो मैंने कल अपलोड कर दी थी, उसको जाकर देख लेना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड, यहाँ पे इस वाले लिंक को क्लिक करते हैं, देखते हैं इस वाले लिंक पे ऐसा क्या है। ठीक है, जैसे इसको लिंक करोगे यार, जैसे ही उस लिंक को क्लिक करोगे, इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे इसको लॉग इन करना है। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से हमें लॉग इन करना है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यार यहाँ पे इन्होंने सॉल्यूशन देखा, कैंडिडेट कैमरा इज बिंग यूज बाय द सम अदर सॉफ्टवेयर लाइक द सेज जूम। ठीक है, कैंडिडेट हैज सम एंटीवायरस इंस्टॉल विद रिस्ट्रिक्ट द कैमरा यूसेज, मतलब कि अगर आपके पास कुछ भी एंटीवायरस है तो उसको डिसेबल कर देना जिस वक्त आप एग्जामिनेशन दोगे, क्योंकि किस प्रकार, क्योंकि कभी कभार होता है कि कैमरा एंटीवायरस होने के कारण कैमरा सपोर्ट नहीं लेता है। ठीक है, तो कैंडिडेट कैमरा इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ऑफ द कैमरा ड्राइवर एक्सट्रैक्ट द नॉट प्रॉपरली वर्किंग, अगर कभी कभार ये ड्राइवर की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। कैंडिडेट इज ऑल्सो क्लोज टू अदर सॉफ्टवेयर एंटीवायरस एंड द लॉग आउट एंड द लॉग इन अगेन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास कुछ भी एंटीवायरस या कुछ भी अन्य सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसके कारण की वजह से आपका कैमरा या माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा है, तो उसके कारण की वजह से वो ऑनलाइन नहीं होता, ऑन नहीं होता है, तो उसको पहले डिसेबल करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आफ्टर एग्जामिनेशन उसको दोबारा ऑन कर देना। ठीक है, उसको टेंशन नहीं है एंटीवायरस अगर आपके पास है तो। ठीक है, इस प्रकार से कुछ लॉगिन आपके पास दे रखा है कि क्या क्या है, प्रॉब्लम अगर आती है तो ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अलग से डिटेल में, और प्लस मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन यहाँ पे ये ओपन करना है। ठीक है, ये अलग मेल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस वीडियो में इतना ही। ये मैंने पूरे इन डेप्थ जानकारी दे दी कि इस मेल में आपका एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। अभी भी कोई डाउट बचता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप सभी के लिए खुला हुआ। तब तक के लिए चलता है, टेक केयर, वहाँ पे अपने साइड कमेंट डाल देना। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शानदार।